वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक वेंजू वनशॉट एफएफ लेके आई हूँ। मुझे इसकी रिक्वेस्ट आई थी कि आप देखिए कोई वेंजू एफएफ लेके आए, तो मैं वनशॉट एफएफ लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस एफएफ का नाम है अल्फाज पोसेसिव मेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं कि यहाँ एक कपल कुलचे बहुत ही फेमस है, मतलब उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, मतलब वो एक दूसरे पर बिल्कुल ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। तो वो कयोनी हमारे वेंजू हैं और जो अल्फा है वो हमारा वैन किशिंग है और जो हमारा साउथ इशू वो ओमेगा है। लेकिन जो साउथ इशू हमने अल्फा के मामले में बहुत ही पोसेसिव है, उसके पास वो किसी को आने नहीं देता। तो ऐसे ही अब जो एक न्यू एडमिशन हुआ एक लड़की का, तो वो ना जो आती है कॉलेज में और खड़ी होती है, तो अभी वेंजू नहीं आए होते दोनों। तो उस टाइम पे जो लड़की होती है वो ना ऐसे फिर रही होती है, उसको ना एक लड़का बहुत चार्मिंग सा लगता है, वो कोई और नहीं बल्कि हमारा वैन किशिंग होता है। तो फिर ना उसको बहुत अच्छा लगता है और फिर ना वो उस लड़के को ना फॉलो करती है, तो उसको पता चलता है कि ये इस क्लास में और इसका नाम वेंजू है। तो ऐसे करती है और वो वेंजू और उसकी क्लास एक ही होती है, तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और ये तीनों एक ही क्लास में, वेंजू जाओ और ये लड़की भी एक ही क्लास में ही होती है, ये सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है ये तीनों। तो वो बहुत खुश होती है कि ना ये मेरी क्लास में। तो मैंने वो ना जो वेंजू को ना वैन किशन को फुल डे वो करती है, एडमायर करती है। और ये चीज़ में जो साउथ इशू होते हैं वो नोटिस करते हैं और उसको बहुत सारा होता है, और वो अपने फ्रेंड से बात करता है। तो फिर उसके फ्रेंड्स बताते हैं कि ना ये न्यू एडमिशन आई है, तो फिर उसको बहुत गुस्सा रहते कहते हैं ना न्यू है इसलिए छोड़ा, वो ना मुझसे बुरा कोई नहीं होता। ये कहते हैं कि ना अगर आइंदा इसने ऐसे किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये कहते हैं वहाँ से। फिर ना वेंकशन को लेने चला जाता है क्योंकि वो अपने फ्रेंड से बात करने के लिए ना साइड पर रहता है। तो फिर वो जो सामने का सीन देखते हैं तो उसको बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि जो वैन किशिंग होता है वो खड़ा होता है और उसके सामने एक लड़की होती है, वही लड़की होती है जिसका आज न्यू एडमिशन हुआ था। तो वो एक रोज लेके खड़ी थी, कहती थी ना वैन किशिंग मैंने तुम्हें आज फर्स्ट टाइम देखा और मुझे तुमसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया, मेरे मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मुझे जो भी बात ऐसी लगती और फील होती मैं फ़ोन आने कह देती हूँ, मुझे तुमसे फर्स्ट लव एट फर्स्ट साइट हो गया, क्या तुम मेरे परफेक्ट बनोगे। तो जो ये बात सुन के जो बाकी के स्टूडेंट्स होते वो गल करते कहते कि और सोचे कि ना ये लड़की पागल है, इसमें बगैर जाने इसको हाँ बोलता उसको अपने प्रपोज करिए, क्या मरना चाहती है, इस तरह सोचे होते। और उस टाइम पे ना जो जो वैन किशन होता है वो शौक होता है लड़की को सुन के, और फिर नहीं दो उधर देखते कि ना वन जाउज इशू तो नहीं आ रहा था। फिर ना उस टाइम पे जब पीछे मुड़ के देखते तो फिर ना पीछे जाउज इशू बहुत ही गुस्से से उसकी आइस वो रेड हो रही होती है, तो देख रहा होता है। और उसकी ना जो गुस्से वाले फेरोमोन्स होते हैं वो रिलीज हो रहे थे, जिससे ना सारे कॉलेज मतलब जितने भी वहाँ स्टूडेंट्स हैं वो ना गल्प कर रहे थे, क्योंकि उसके फेरोमोन्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं एक ओमेगा हो के भी। तो बेटा जो फैन जो जाउस इशू होता है वो ना आता है लड़की के पास और उसका रोज लेते हैं, उसको ना फुल तोड़ के ना उसके ऊपर फेंक देते हैं और फिर कहते हैं कि ना तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हें सुबह से देख रहा हूँ, तुमने फैन कृष्ण को प्रपोज करने की हिम्मत कैसे की। तो फिर ना वो जो जो लड़की होती है वो खड़ी होती कहती है तुम कौन होते हो, मैं उसको प्रपोज करूँगी क्योंकि मैं उसको लाइक करती हूँ, और तुम कौन होते हो, और उसका आंसर मुझे चाहिए। तो फिर ना जो जो साउथ इशू होते हैं वो कहते हैं उसका आंसर है नो, तो वो कहते हैं तुम कौन होते हो, मैं उससे पूछे कहते हैं ओ मैं कौन होता हूँ। तो फिर ना वो जो साउथ इशू होते वो अपना कॉलर थोड़ा हटाते हैं, मुझे कहते हैं और मैं उसका मार्क ओमेगा हूँ और वो मेरा अल्फा है, वो भी मार्क्ड है मिल्क से। तो ये बात बोलते हैं तो फिर जो लड़की होती है वो शौक हो जाती है, और फिर ना बाकी सारे जो कॉलेज वाले कहते हैं कहते हैं रोजाना का ड्रामा, कोई भी न्यू स्टूडेंट आ जाए हमेशा ऐसे होता है। तो फिर ना वो ऐसे देखते हैं और फिर ना जो इंसान से शो होते हैं वो ना उस लड़की थोड़ा गुस्से से देख रहा होता है और ना बहुत ही ज़्यादा उसकी हाइस रेड हो गई होती है। तो फिर ना ये देखे ना मैंने तो सोचा था कि ना अगर मैं अभी साउथ इशू को यहाँ से लेके गया तो अभी ये लड़की मरेगी यहीं पे। तो फिर ये सोचते और फिर ना कहते हैं जाऊँ से छू
तो फिर ना जो साजिश होती है वो तो गुस्से से वैन किशन की तरफ दिखे तो वैन किशन थोड़ा डर जाता है फिर कहते कि ना हम साजिश हम चले यहाँ से कहते कि ना क्यों तो भाई सड़की बहुत फिक्र हो रही है तुम मेरे साथ चलो तो मैं तो अब मैं बताता हूँ ये कह ना वो ना वैन किशन का हाथ पकड़ लेते उसको लेके जाने लगते कहते तो मन में सोचते कि ना ये मैंने क्या कर दिया मैंने अपने पाँव पर कुल्हाड़ मार दिया तो अपने फ्रेंड्स की तरफ ना ब्लीडिंग ऐसे देख तो कि ना प्लीज़ बचाओ मुझे आके तो फिर ना फ्रेंड्स कहते ना ना हम ना आए हमने मरना थोड़ी देर फिर कहते कि ना तो इशू इतने गुस्सा था गुस्से में हमें क्या पड़ी आने की तो इस तरह बात करते थे ना बात कर रहे थे और फिर ना जो ना तो मैंने किसी और उनकी तरफ ना ऐसे देखते थे ना जैसे उसको ना किसी ने बिट्रे कर दिया मैंने इस तरह देख रहा और फिर ना साजिशु को रोकने की कोशिश करते लेकिन साजिशु जो होते हैं और भी गुस्से में आ जाता है तो वो ना वो उसको ना कार में लेके जाता है और कार में ना पुश करके उसको ना कहते तुम किसके हो हाँ तो मैंने मार किस ले गया था लेकिन नहीं तुम उस लड़की को हाँ कहने वाले थे तुम्हारी हिम्मत कैसी तो फिर साजिशु ये बात बोलते तो फिर उनके शेयर कहते कि ना साजिश तुम्हें अच्छे से पता है मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए तुमने मार्ग किया था और तुमसे खुद को करवाया था ताकि तुम मुझे भी ट्रस्ट करो लेकिन मैं तो फिर भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रहे थे फिर ना कहते कि ना और तुमने उस लड़की को मना क्यों किया फिर तो फिर ना कहते उस टाइम पे वो लड़की आई थी और तुम्हारे सामने मैं जैसे उसको मना करने वाला था उस टाइम पे तुम आ गए कहते अच्छा मैं आ गया अगर ना आता तो फिर तुम हाँ कह देते तो कहते जो वैन किशन होता है वो फ़ौरन साजिशु को पलटता है और फिर ना उसको ना कार पे पुश करता है और उसको किस करने लग जाता है उसके ना जो नेक होती है उस पर ना एक साइड पे ना जोर से ना गुस्सा करता बाइट करता है और ना एक और जोर से बाइट करता है जिससे ना वहाँ पे ना थोड़ा निशान बन जाता है बाइट बन जाता है और फिर कहते ना साजिशों में सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ तो फिर ना साजिशु कहते हैं कि ना रियली तो फिर कहते हैं हाँ वैन किशन कहते हैं हाँ कहते ठीक है फिर मेरे साथ घर चल रहा मुझे प्रूफ करो तो फिर कहते कि ना बट फिर कल तुम चलने के काबिल नहीं रहोगे तो फिर ना साजिशु कहते कि ना तुम चल रहे हो कि या नहीं तो फिर ना जो वन के शोर जो थर्ड डर जाते तो फिर ना और फिर ना कार में जाके बैठ जाते तो फिर ना जो साजिशु थे वो स्माइल करते हुए कहते कि ना कौन कहेगा कि यहाँ पे एक अल्फा है अपने ओमेगा से डरते ये बोलते और स्माइल करते और फिर वो भी कार में बैठ जाते और गाइस मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ इधर मैंने वर्ल्ड ऑफ वंडर नहीं देखा हुआ तो मुझे ज़्यादा वेंजू के बारे में पता नहीं है मैंने सिर्फ एक इनका एफएफ सुना था और वो एफएफ भी मुझे याद नहीं है तो ना मुझे इस वजह से वेंजू के बारे में ज़्यादा कुछ पता भी नहीं है तो सॉरी अगर मैंने कोई मिस्टेक की हो और ये एफएफ छोटा था क्योंकि मुझे मेरे अंदर ज़्यादा दिमाग नहीं